नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। साबरकांठा जिले के विजयनगर तहसील में सांसद रामलीला बैन 12 के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। आपको बता दें कि रामलीला बैन राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंची है, वहीं उन्होंने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। स्नातक की पढ़ाई कर चुकी 12 ने साल 1977 में शिक्षक के रूप में अपना करियर साबरकांठा जिले में महाराजा हमीर सिंह जी हाई स्कूल में शुरू किया था। साल 1986 में उन्होंने गुजरात लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें ग्रुप ए संवर्ग में अवर सचिव नियुक्त किया गया। साल 2002 तक वे विभिन्न विभागों में पदस्थापित हुई थी व उप सचिव के पद पर पहुंची थी। साल 2002 में वीआरएस लेते हुए वे भाजपा से जुड़ी। साल 2004 में वे खेड ब्रह्मा विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत गई। गुजरात आदिवासी विकास निगम के चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहीं। उन्हें कुशल प्रशासक माना जाता है। 12 के पिता भी जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता रह चुके हैं। साबरकांठा जिले की विजयनगर तहसील के कड़ादर जिला पंचायत की बैठक के कार्यकर्ताओं ने सांसद रामलीला बैन 12 के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। समारोह में सम्मान के साथ जवाब देते सांसद रामलीला बैन 12 उन्होंने राज्यसभा में भाग लेने के विशेषाधिकार के लिए क्षेत्र और जिले के लोगों को धन्यवाद दिया। इस सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। अभिनंदन समारोह में विजयनगर तहसील के भाजपा अध्यक्ष मयूर भाई शाह, महासचिव माजी भाई डामोर, पार्टी उपाध्यक्ष मोतीलाल कोतवाल, उपाध्यक्ष परिषद डामोर और कड़ाधर जिला पंचायत सीट के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी के साथ आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़।